हाँ जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में मैं और सबीन कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। तौसीक, एक इम्तिहान आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत जिंदगी में आपने इम्तिहान दिए, बहुत सारी बातें हम आपसे पूछ भी लेते हैं बातों बातों में। अच्छा। तो मैंने कहा आज एक और बात मैं आपसे पूछूं ऑन एयर। इम्तिहानों से तंग आके तो मैंने बी ए से आगे तालीम हासिल करना छोड़ दी थी कि फिर कोई इम्तिहान देना पड़ेगा। आई डोंट लाइक एग्जाम्स। मैट्रिक में कितने मार्क्स थे आपके? सवाल पूछने वाला है, कितने मार्क्स थे आपके? अच्छा तुम बताओ पहले। आई प्रॉमिस जस्ट सच से बताऊंगा। अच्छा आप पहले ये बताइए कि आपके जो मैट्रिक और नाइन्थ था वो अलग अलग होता था उस जमाने में या फिर इकट्ठा? अच्छा ठीक है, मेरा भी इकट्ठा होता था, लेकिन मैंने 80% मार्क्स लिए थे, अराउंड 80। नहीं, नंबर बताओ कितने थे? 863 मार्क्स थे मेरे। 863 आउट ऑफ 1050। तो ये इतने जो थोड़े से रह गए थे वो भी ले लेती। बस है? मैंने कहा कि थोड़े बहुत छोड़ देते। अच्छा नहीं, फिर मेरे तो बहुत ही शर्मिंदगी वाले नंबर है भी। मेरे 540 नंबर थे मैट्रिक में। 540। और मतलब फिर ऐसे मुंह छुपाते फिर रहे थे। और एफएससी में कितने थे? एफएससी में मुझे याद नहीं आ रहे। इतना पुराना वाकया है ये, इतना पुराना वाकया मुझे बिल्कुल मेरे माइंड से ही निकल। मेरे जनाब 1100 के या 1150 में से मुझे याद नहीं आ रहा 586 नंबर थे। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई मतलब बहुत ही आला हाई फाई किस्म के नंबर नहीं थे उस जमाने में। नंबर लेना बड़ा मुश्किल होता, बड़ा मुश्किल होता था। अभी जब आपने कहा ना कि 863 मार्क्स, इतने ज्यादा मार्क्स कैसे ले लिए, अब इन नंबर्स को कुछ समझा ही नहीं जाता। अब तो अगर आप 900 950 भी आउट ऑफ 1100 भी आप अगर स्कोर करते हैं तो कहा जाता है कि ये क्या मतलब इतने कम नंबर लिए हैं। घर से भी बड़ी डांट पड़ती है। एग्जैक्टली, और सारे काम को कहते हैं ग्रेड्स इन्फ्लेशन। बच्चों के नंबर हर साल आप देखते हैं 10-15 नंबर मेरिट ऊपर जा रहा है। और होते होते इस बार क्या हुआ है जो हर कोई आजकल उस पर हंस भी रहा है, और जो सीरियस तालीमी हलके और रिसर्चर्स हैं वो इस पर अब बात भी कर रहे हैं कि इस दफ़ा कुछ बोर्ड्स के मैट्रिक और एफएएफएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर आपने देखा कि एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई है, और वो ये है कि 100% कुछ बच्चों ने नंबर लिए, यानी 1100 में से 1100 नंबर लिए हैं। और इस वक्त अब संजीदगी से इस बात पे सोचा जा रहा है कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, वो कितना सीरियस है, हमारा तरीका इम्तिहान, हमारा असेसमेंट का तरीका, हमारा एक बच्चे को इवेलुएट करने का तरीका कितना दुरुस्त है या नहीं है। एक बहुत सीरियस मसला है कि 1100 में से 1100, ये तालियां बजाने की बात नहीं है, ये एक चैलेंज है। और अगर तालियां बजाने की बात है तो क्यों है, ये सब आज मैं और सबीन जानने की कोशिश करेंगे। राइजिंग पाकिस्तान में हमारा जो मेन सेगमेंट है उसमें डॉक्टर नासिर महमूद आएंगे, जो डीन है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। और इनका खासा जो है पर्सनली, इनका करियर जो है वो स्टूडेंट्स की असेसमेंट और इवेल्यूएशन है। और आज हम इनसे पाकिस्तान में खासतौर पर मैट्रिक और एफएएफएससी में जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। बिल्कुल तौसीक, और इसके अलावा हमारे साथ होंगी आज छोटी फातिमा। पहले छोटी फातिमा आएंगी और वो हमें बताएंगी कि पॉजिटिविटी का राज क्या होता है, पॉजिटिव आप किस तरह से रह सकते हैं और नेगेटिविटी से आप किस तरह से बच सकते हैं। कुछ रूटीन भी वो बताएंगी कि क्या क्या करके आप पॉजिटिव फील कर सकते हैं, स्पेशली सुबह सुबह। और इसके बाद आएंगी बड़ी फातिमा। बड़ी फातिमा, यस। आज दो फातिमा है, छोटी फातिमा बच्चों के सेगमेंट में और बड़ी फातिमा फिर जनाब हमारे फैशन के सेगमेंट में। हमें बताएंगी कि सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि आप अपनी लेयर्स को, यानी नीचे स्वेटर पहनना है, ऊपर अगर जैकेट पहनना है, नहीं पहनना। सो लेयर्स के बारे में हमें बताएंगी कि सर्दियों में हम अपनी अच्छा फैशन कैसे कर सकते हैं कि हम बुरे ना लगें। हम अगर ऊपर से जैकेट या कोट उतारें तो नीचे से भी एक कंप्लीट आपका ड्रेस हो और वो बिल्कुल ये ना लगे कि किसी चीज की कमी है। Exactly. तो लेयर का जो फैशन है उसके बारे में फातिमा हमें बताएंगी। और आज सब बहुत खवातीन स्पेशली जो है ना वो टीवी के सामने बिल्कुल बैठ जाएं और हम अभी सुन के ही बैठ जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी, ताकि फातिमा से थोड़ी हम टिप्स ले सके। सुना कि तौसी, किसके अलावा कैसे भूल सकते हैं आप इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट? और वो है, वो है जी हमारा गुड न्यूज का सेगमेंट। मैं लाऊंगी, तौसीक को सुनाऊंगी चार अच्छी अच्छी खबरें। तौसीक, एक से बढ़ के एक खबर है आज। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मतलब हमेशा होता है ना, शायद कोई एक आध खबर कहते हैं कि अच्छा ठीक है बस सोसो थी, लेकिन आज मैं जो चार खबरें लेकर आऊंगी वो बेहतरीन है, एक से बढ़ के एक। आप कहेंगे वाह सबीन वाह।
वैसे तुम ज्यादा अच्छी खबरें ना भी लाओ तब भी हम कहते हैं वाह सबीन वाह सबीन वाह, लेकिन मुझे बता जब बहुत दिल से कहेंगे कि वाह सबीन वाह। अच्छा जी, इसके अलावा हमने आपको गवादर की भी आज सैर करवानी है राइजिंग पाकिस्तान में, हमारा जो पाकिस्तान टेलीविजन का एक बहुत ही मकबूल प्रोग्राम हर दिल बोले पाकिस्तान, जिसमें हम आपको पूरे पाकिस्तान की सैर कराते हैं। तो हमने सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान में कभी कभी, रोजाना नहीं लेकिन कभी कभी, आपको किसी पाकिस्तान के गोशे किसी इलाके की सैर करवाई जाए। और आज हम कुछ मिनट के लिए ऐसे मैजिक से करके आपको गवादर लेके जाएंगे, और गवादर की कुछ खूबसूरत ज़बरदस्त फिल्मिंग है, और ये सेगमेंट होगा हमारा तकरीबन रोज ही हुआ करेगा। तो आप देखें गवादर से हम शुरू हो रहे हैं, किस तरफ को जाती है गाड़ी, उधर कराची की तरफ जाते हैं या इधर ज़रा सिंध से बलूचिस्तान में होते हुए फिर पंजाब से होते हुए केपी की तरफ आते हैं, ये अब सरप्राइज सरप्राइज है। कोशिश आने वाले दिनों में पता लगेगा। एग्जैक्टली कोशिश होगी हम पूरे पाकिस्तान की सैर करवाएं राइजिंग पाकिस्तान के थ्रू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये है जी हमारा आज का मेन्यू कार्ड, कोई चीज रह तो नहीं गई? नहीं, मेरा ख्याल है सब चीजें पूरी हो गई। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो छोटी फातिमा हमारे साथ हैं, और छोटी फातिमा हमें बताने लगी हैं कि मुस्बत रहने, जिंदगी में पॉजिटिविटी का गुर क्या है, उसकी टिप्स क्या है। रहिए मेरे और सबीन के साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। इल्म दानिश की बात तजुर्बे के साथ बुजुर्गों से हम सुना करते थे, आजकल के बुजुर्गों को थोड़ा सा गिला है कि आजकल के बच्चे और नौजवान हमारे पास बैठते नहीं हैं, उनको अपने ये स्मार्टफोन से ही फुर्सत नहीं मिलती कि वो हमारे पास बैठें, हमसे कोई दानिश की बात सुन लें, कोई पुराना वाक्या सुन लें जिससे हमने कुछ सीखा हो। लेकिन क्या कीजिए कि दौर बदल गया, जिंदगी बदल गई। अब बच्चे जो हैं वो कहते हैं जी हमने चाचा गूगल से बहुत कुछ हासिल कर लिया, और सीरी से पूछ लेंगे और गूगल से पूछ लेंगे। लेकिन इसकी जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि बच्चे फिर जब खुद रिसर्च करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त ऐसी बातें लेकर आते हैं कि हम भी सुनकर दंग रह जाते हैं, और उनसे बाज़ औक़ात नहीं अक्सर औक़ात हमें भी सीखने का दिल करता है कि अरे ये बच्चा है लेकिन बात बहुत ही काम की कर रहा है, आइए इससे कुछ सीखते हैं कुछ सुनते हैं। और हमारे जो सेगमेंट है राइजिंग पाकिस्तान का जिसमें बच्चे हमें कुछ सिखाते हैं, ये इसीलिए आप सब पे बहुत ज़्यादा मकबूल भी है। छोटी फातिमा आज हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फातिमा आज बहुत अहम मौजू पे बात करने जा रही हैं, सभी पता है। Exactly. हाँ जी फातिमा, आज का क्या टॉपिक है हमारा? आज मेरे पास जो टॉपिक है आप सबके लिए वो है पॉजिटिविज्म। तो आज यानी मुस्बत सोच, पॉजिटिविटी, के आप मुस्बत कैसे रह सकते हैं, पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि बेसिकली पॉजिटिविटी क्या चीज़ होती है, और वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं और अपने अंदर जो हमारी नेगेटिविटी है उसको कम कर सकते हैं। जबरदस्त। तो पॉजिटिविटी बेसिकली क्या होती है? पॉजिटिविटी का मतलब होता है पुरंदाज तरीके से या ऑप्टिमिस्टिक तरीके से चीज़ों को सोचना, चीज़ों का हल तलाश करना। इसको हम बेसिकली कहते हैं पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि एक वरी फ्री स्टेट ऑफ माइंड होती है, जिसमें आपका माइंड एक बहुत पॉजिटिव स्टेट में होता है और आप सारी वरी से यू नो फ्री होते हैं। एग्जैक्टली। तो जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन आता है या एक पॉइंट आता है, और वो है कि Can we live a positive life with a negative mind? क्या हम positive life जी सकते हैं एक negative mind के साथ? मेरा ख्याल है मुश्किल है। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक example देती हूँ। बताइए। अभी एक ship है, ठीक है? उसको पानी तब तक sink नहीं कर सकता जब तक वो उसके अंदर नहीं आता। इसी तरह ही होता है ना? बिल्कुल। तो इसी तरह ही negative thoughts आपको तब तक नहीं गिरा सकती जब तक वो आपके mind के अंदर नहीं आते। wow, बिल्कुल, yes. तो आप अगर negative thoughts को अपने mind के अंदर आने ही नहीं देंगे तो वो कैसे आएंगे? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी वो शिप जो है उसमें पानी भरता गया तो शिप जो है वो डूब गया। तो नेगेटिव थॉट्स भी फातिमा कह रही हैं कि उस शिप की तरह है, उस पानी की तरह है। Exactly. उनको अंदर नहीं आना देना अपने माइंड के, वरना आप भी शिप की तरह सिंक कर जाएंगे। लेकिन फातिमा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैसे हो? अब यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? अब अगला जो मेरे पास पॉइंट है या क्वेश्चन है वो ये है कि डू आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड? आप लोगों ने कभी ऐसे सोचा कि क्या मेरा पॉजिटिव है एटीट्यूड?
आपका तो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव सी पर्सनालिटी है, देख के फातिमा स्माइल करती हुई आती है हमेशा। अब देखिए अक्सर इस तरह होता है कि जाहिर सी बात है हर वक्त पॉजिटिव या अपबीट रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि हमारा दिन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चल रहा होता। फॉर एग्जाम्पल हमने प्लान किया होता है कि यार आज वीकेंड पे मूवी देखेंगे, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से अनफॉर्चुनेटली प्लान कैंसिल हो जाता है, तो हम डिसअपॉइंट तो होते हैं ना, तो नेगेटिविटी हुई ना वो बेसिकली। तो इसलिए मैं अब आप लोगों को वो कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जिससे आप अपनी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और नेगेटिविटी को डिक्रीज कर सकते हैं। वेरी गुड, चलें जी पेन पेंसिल पकड़ लें। पेन पेंसिल नहीं, क्या पेपर पेंसिल? पेपर पेंसिल, यस। तो जो पॉइंट नंबर 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है फोकसिंग ऑन द गुड थिंग्स। अच्छा, ओके। देखिए जो लाइफ है वो चैलेंजेस के साथ आती है। लाइफ एक ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा परफेक्ट जाएगी, ऑब्वियसली लाइफ में चैलेंजेस भी आते हैं और ऑब्स्टिकल्स भी। एग्जैक्टली, तो इसलिए अक्सर हमारी लाइफ में कोई मुश्किल आ जाती है, कोई चैलेंज आ जाता है, तो हम थोड़े से यू नो नेगेटिव हो जाते हैं, होता है कभी कभी। बिल्कुल, तो इसलिए आपने लाइफ में हमेशा गुड थिंग्स पे फोकस करना है। अच्छा। आपने ये नहीं देखना कि मेरे पास क्या नहीं है या क्या उसके पास है मेरे पास नहीं है, बल्कि आपने देखना है कि क्या मेरे पास है। और आपने हमेशा शुक्र करना अल्लाह का, क्योंकि देखें कुछ से ऐसे लोग होते हैं इनके पास नहीं होते। एग्जैक्टली, और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं फातिमा कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो दूसरे के पास नहीं होता, तो उस पे फोकस करना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहना चाहिए, एक तशक्कुर की स्टेट में रहना चाहिए। आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल भी बना सकते हैं जिसमें आप सुबह उठते ही एक ऐसी चीज लिखें जिसके लिए आप बहुत थैंकफुल हैं, जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं। ओके, चले भाई सभी, अगर आपने सुबह उठ के कोई एक चीज रोज लिखनी हो तो मसलन आज की चीज बताओ, कोई एक चीज बताओ अपने अपने बारे में, है ना फातिमा? लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल थ्री ऑफ अस, कोई एक चीज जो कि मुझे अपनी जो आप समझती हैं कि जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए अल्लाह का, कुदरत का। मुझे ऐसे लगता है कि आई थिंक जब फैमिली आपके पास होती है ना, तो वो एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फैमिली से दूर होते हैं या फिर उनकी फैमिली उनके पास नहीं होती। सो वो एक चीज़ है, शायद आपके इर्द गिर्द जब लोग होते हैं, चीज़ें जब स्पेशली जब आपके पास होती हैं तो आपको उनकी इम्पोर्टेंस फील नहीं हो रही होती जब तक कि वो आपके पास से चली नहीं जाती। तो आई थिंक आप ग्रेटफुल होना चाहती हैं फैमिली के लिए। एग्जैक्टली, फातिमा पहले तो मैं सुबह जैसे उठती हूँ तो आई थिंक मैं जिस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल होती हूँ वो मेरी एजुकेशन है, मेरा स्कूल है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जबरदस्त पॉइंट। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जा सकते। एग्जैक्टली, पाकिस्तान में भी 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल गोइंग एज में हैं लेकिन उनकी स्कूल तक रसाई नहीं है। तो बिल्कुल स्कूल जो है उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। और मैं ग्रेटफुल होता हूँ, चले मैं जरा कुछ ऐसे मटेरियल किस्म की और चीज सोचता हूँ ना, इतनी सारी फैमिली स्कूल, मैं भाई सुबह उठ के आज चलो मैं इस चीज का ग्रेटफुल होता हूँ कि मेरे इस उम्र में भी अभी तक बाल नहीं गिरे। हाँ, व्हाई नॉट, अच्छे बाल होना भी एक, इसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो, क्योंकि बहुत से लोगों के मेरे से छोटे हैं और ऊपर से काम खत्म। हाँ, और तो ऐसे क्यों कह रहे हैं ये फातिमा, आप समझ गई हैं हेयर स्टाइल लेके। अच्छा जी, अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्पेंडिंग टाइम विद पॉजिटिव पीपल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो सराउंडिंग्स होती हैं उनका आप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं आपकी सराउंडिंग्स आपको। तो अगर आप ज़्यादा टाइम नेगेटिव पीपल के साथ रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप में नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे। जाहिर सी बात है अगर आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ बैठे हुए हैं तो वो फॉर एग्जाम्पल कोई गॉसपिंग करता है आपके साथ तो वो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है ना। अब वो आपके पास आ गई, आप किसी और के साथ कह रहे हैं तो आपसे भी दूसरे बंदे तक नेगेटिविटी पहुंच रही है। यानी ये इन्फेक्शियस है। एग्जैक्टली, ये भी बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह एक से दूसरे को लग सकती है ना। जो नेगेटिव वाइब्स होती है वो आपके दिमाग पे नेगेटिवली उनका असर होता है। इसलिए अगर आप पॉजिटिव पीपल के साथ अपने आपको सराउंड करेंगे, अगर आपके पॉजिटिव लोग हैं, एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो रही है, तो फिर जाहिर सी बात है आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, तो जाहिर सी बात है आप फिर ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, ज्यादा अपबीट रहेंगे। इसका मतलब है फातिमा के बारे में सबको स्कूल में पता होगा कि फातिमा सिर्फ पॉजिटिव फ्रेंड्स बनाती है जिनकी सोच पॉजिटिव हो रही है, ऐसा ही है। यस, गुड गुड गुड। अच्छा जी, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है स्टार्टिंग ऑफ विद अ हेल्दी मॉर्निंग। आई थिंक ये बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर हम मॉर्निंग जो होती है आई थिंक हमारे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और अक्सर हम उसी को मिस कर देते हैं। लेट उठ के बस फटाफट नाश्ता किया, यूनिफॉर्म पहना और चल पड़े या जॉब चल, जहाँ भी हमने जाना है, लेकिन ये गलत है। आई थिंक क्या करना चाहिए सुबह, एक तो आई थिंक सबसे पहली बात है आपको जल्दी उठना चाहिए क्योंकि जब आप जल्दी उठते हैं तो बाहर मतलब कि आप बस आप अगर जल्दी कभी उठें आप उठें वैसे
बेटे मैं तो अब रोज सुबह 7:30 लाइव शो करता हूँ, तो इससे 6 o'clock में उठता हूँ। आपने देखा होगा ना कि सुबह ज़्यादा लाइक ब्यूटीफुल बाहर जो नज़ारा होता है, ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि खामोशी होती है और बस आप यू नो बर्ड्स को सुन रहे होते हैं, सुकून आता है ना उससे। और वो जो लाइट होती है ना फातिमा, जो सुबह सनराइज एक्चुअली सूरज के ऊपर जाते हुए देखे, लेकिन वो जो रोशनी बदल रही होती है ना डार्क से लाइट की तरफ जो जा रहे होते हैं, वो बड़ा आपके ऊपर नफसियाती तौर पे असर डाल रही होती है, जिसको आप आपको पता भी नहीं चलता और आप एक पॉजिटिव चीज से गुजर रहे हो। और मुझे लगता है ये भी आपको हमें स्पेशली एक डायरी में लिख लेना चाहिए, मतलब किस चीज के लिए हम ग्रेटफुल हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट हमारे पास राइजिंग पाकिस्तान के थ्रू हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि हम सुबह सुबह जाग रहे होते हैं और हम पूरा एक प्रोसेस देख रहे होते हैं सुबह होने का। एग्जैक्टली। और अभी तो आगे चल के जब जनवरी आएगा तो उसके बाद तो सुबह सुबह बिल्कुल अंधेरे में हमें आना पड़ेगा। Exactly, चांद देखेंगे और फिर सूरज निकलेगा। Exactly. सुबह जल्दी उठने का ये भी फायदा होता है कि आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइजिंग से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि एक तो आई थिंक एक्सरसाइजिंग आपके लिए हेल्दी है, और दूसरी बात यह है कि जब आपने एक्सरसाइज कर ली होती है तो आपको पूरा दिन पता होता है कि मैंने अपने एक दिन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट कर लिया है। मैंने आज एक्सरसाइज की है, मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम अपने दिन का कर लिया, तो इससे भी आप पॉजिटिव रहते हैं कि हाँ मैंने कुछ किया है ना? Exactly. सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला पॉइंट है ट्रीटिंग योरसेल्फ विद सेल्फ केयर। सेल्फ केयर बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल क्या हुआ है कि हम लोग सेल्फ केयर को मिस्टेकनली ले लेते हैं। हम समझते हैं कि सेल्फ केयर क्या है, क्या एक बबल बाथ लिया हमने आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रेनस वर्कआउट और जी हम तो बहुत सेल्फ केयर करते हैं, फेशियल करवा लिया। एग्जैक्टली, हमने बबल बाथ लिया आज घर आकर। आज मेरा तो बस मैनिक्योर पेडिक्योर कराने का दिल कर रहा है कि मैं अपने अपने आप को पैम्पर करना चाहता हूं। अच्छा, लेकिन असल में सेल्फ केयर क्या है? असल में सेल्फ केयर ये नहीं है कि आप आए घर और आपने क्यों बबल बाथ लिया, बस यार हम तो बड़ी सेल्फ केयर करते हैं। सेल्फ केयर ये नहीं होती, बल्कि सेल्फ केयर होती है कि आपने अपने आप को मेंटली और फिजिकली हेल्दी रखना है। तो ये होती है सेल्फ केयर। तो सेल्फ केयर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हेल्दी ईटिंग को अपना सकते हैं। अब ये तो हेल्दी ईटिंग का मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल ही हट जाएं, आप खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप अपनी वेजीज को प्रेफर करें अनहेल्दी फूड्स के ऊपर। तो ये सेल्फ केयर के लिए बहुत जरूरी है। यानी वो कहते हैं ना यू आर व्हाट यू ईट, आप जो खाते हैं आप वही बनते जाते हैं। तो हेल्दी खाएं, पॉजिटिव रहने के लिए healthy clean eating बहुत जरूरी, proper sleep बहुत जरूरी है self care के लिए। I think average जो sleeping hours होते हैं वो 7 to 8 hours हर इंसान के लिए must होते हैं। ठीक है। इसके बाद water है, drinking water आजकल, हाँ exactly, to stay hydrated। अच्छा, ये सारी चीजें फिर एक positive इंसान बनने में आपको मदद देती है। इसके बाद staying organized, ये बहुत जरूरी है organized होने की। जब आपकी surroundings messy होती है ना तो आप में वो positive वाइब्स नहीं आ रही होती, आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे तो ऑनेस्टली जब मैं कोई मैसी सराउंडिंग देखती हूँ मुझे तो गुस्सा आने लग जाता है कि यार क्या है क्या है, इस तरह होने लग जाता है बंदे में, नेगेटिविटी आ जाती है। और लोगों का जो दो चीज़ों से पता चलता है कि वो कितने मैसी हैं, एक उनकी वार्डरोब, उनके कपड़ों की अलमारी कितनी ऑर्गेनाइज्ड है अगर आप वो खोल के, और दूसरा उनका ऑफिस का टेबल, या स्टूडेंट्स के केस में उनका जो स्टडी टेबल है ना, तो फातिमा का स्टडी टेबल वेरी ऑर्गेनाइज्ड। एग्जैक्टली। और सबीन की वार्डरोब, लेट मी गेस, ऐसे लगता है वार्डरोब के अंदर एक तूफान आया, भौंचाल आया। मैं इसीलिए इस पॉइंट पे बिल्कुल खामोश बैठी हुई हूँ, क्योंकि ये चीजें जिससे मैं बहुत लाग करती हूँ, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं हूँ। और आखिरी स्टेप जो आप सेल्फ केयर के लिए ले सकते हैं, वेरी बैड, और आखिरी स्टेप जो आप सेल्फ केयर के लिए ले सकते हैं वो है डूइंग समथिंग क्रिएटिव। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पूरा दिन यू नो वर्क में मसरूफ़ होते हैं, स्कूल, जॉब, ऑफिस, वर्क एंड दिस ऑल, लेकिन अगर आप अपने अंदर, हर बंदे के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, जैसे कुछ लोग आर्ट्स बहुत अच्छी करते हैं, कुछ लोगों की ऑरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो आपको लास्ट में अपने ऊपर कुछ टाइम देना चाहिए, अपनी उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालना चाहिए, उससे भी आपको अच्छा महसूस होता है, आप में पॉजिटिव वाइब्स आती है। फातिमा, आपकी क्या क्रिएटिविटी है? क्रिएटिविटी आई थिंक मैं आर्ट्स में तो इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं सही हूँ लेकिन मैं आर्ट्स इतनी अच्छी नहीं करती, बट आई एम इंटरेस्टेड इन स्पीचेस एंड स्टफ। अच्छा, हाँ, तो मैं स्पीचेस वगैरह लाजमी करती हूँ। अच्छा, आखिर में क्विकली सबीन, आप ये बताएं कि आपका स्ट्रेस रिलीव करने का क्या चीज़ सबसे ज़्यादा, मतलब कोई आर्ट, कोई क्रिएट, गाना गाती हो, क्या करती हो? मैं, मेरे ख्याल में मैं चुप करके बैठ जाती हूँ। अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा होता है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ मेडिटेशन होती है, और उसके बाद मुझे होता है कि मैं सो रहा हूं। ओके, ग्रेट। चलिए जी, मैं वैसे आपको किसी दिन इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मुझे स्ट्रेस फील हो रहा हो तो मैं कपड़े इस्त्री करता हूँ, आयरनिंग जो है
वो बहुत मजेदार स्ट्रेस रिलीविंग, कुछ लोग खाना पकाते हैं, कुकिंग उनके लिए बहुत स्ट्रेस रिलीविंग होता है। फातिमा थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बहुत अच्छी तुमने पॉजिटिविटी के हवाले से टिप्स दी। हम चल खेलेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके लिए होंगी हमारे पास चार अच्छी अच्छी खबरें, सेगमेंट है गुड न्यूज। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान, चार अच्छी अच्छी खबरें, सेगमेंट है गुड न्यूज और सबीन हमें खबरें सुनाती जाएंगी और आखिरी यानी कि पांचवीं गुड न्यूज मेरे पास है जो मैं आखिर में बताऊंगा। जी जनाब तौसीक, मैंने कहा था वाह वाह के लिए तैयार हो जाएं, है ना। पहली खबर बहुत अच्छी है, पहली खबर इस तरह से बहुत अच्छी है कि हम हमेशा खवातीन की बात करते हैं, खवातीन जब आगे बढ़ी होती हैं तो बहुत खुशी होती है और राइजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि हम प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज मैं आपको बताऊँगी पहली गुड न्यूज़ में कि समर मिनल्ला, कौन नहीं जानता उनको, एक पाकिस्तान की मायानाज फिल्म मेकर हैं, उनके लिए माय हीरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से समर के लिए माय हीरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एवा हिलर वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग मीडिया अवार्ड का ऐलान किया गया है। ये तकरीब जो है वो 4 दिसंबर को वर्चुअली मुनक्किद होगी। ये अवार्ड समर को उनकी फिल्म आउटस्विंग पर दिया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह सिर्फ क्रिकेट खेलकर एक कम्युनिटी जो है वो अपनी ज़िंदगी बदल सकती है। और ये फिल्म फेस्टिवल एक इंटरनेशनल फोरम है, नाजीन को हम बताते चलें, जहाँ पर प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स अपनी फिल्में शोकेस करते हैं और दुनिया की जो मुस्बत कहानियाँ होती हैं उनको हाईलाइट करते हैं। Absolutely, और समर हमारी बड़ी प्यारी दोस्त भी हैं और राइजिंग पाकिस्तान में भी एक दो बार आ चुकी हैं। शी इज़ एन एक्टिविस्ट, शी इज़ अ फिल्म मेकर और एक बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव ब्रेन है पाकिस्तान का। एंड आई एम सो वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू समर, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और मेरा ख्याल है ये अवार्ड हो जाए, ये सेरेमनी हो जाए तो अगले हफ्ते दो हफ्ते में समर को फिर ज़रा बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये आउटस्विंग कैसे कराई और इन स्विंग क्यों नहीं थी, ये आउटस्विंग क्यों थी, और इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में उनसे उनकी कहानी भी सुनेंगे। बट वी आर प्राउड ऑफ यू, पीटीवी की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से समर मिनल्ला बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल तौसीक, अगली खबर बहुत अच्छी है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड करी है, बताती चलूँ मैं आपको, लोग बहुत ज़्यादा खुश है, हर कोई ट्विटर पे तो बहुत धूम मची हुई है इसके। जो अब ऐसा है क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि इम्पोज हो गई थी और इसके अलावा एक न्यू नॉर्मल को हमने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। एग्जैक्टली वहाँ पर जब ऐसी खबर आए कि सऊदी अरब ने जो है वो खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने उमरा जायरीन के लिए अपनी कोविड एडवाइजरी जो है उसको रिवाइज़ किया है, उसको तब्दील किया है। अब उमरा के लिए जाने वाले जायरीन अगर सऊदी हुकूमत की मंजूर करदा वैक्सीन लगवा कर जाएंगे तो उनको क्वारंटीन किए बगैर उमरा करने की इजाज़त होगी, जबकि वो जायरीन जिन्होंने WHO की मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाई होगी उनको 3 दिन का क्वारंटीन जो है वो गुजारना पड़ेगा। इस खबर से सारे मुसलमान जो हैं वो बहुत खुश हैं और सोशल मीडिया पर ये खबर जो है वो ट्रेंड कर रही है। और हमारी दुआ भी है कि जी अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल फरमाए और वहाँ जाके आपने ये दुआ ज़रूर करनी है कि ये जो पेंडेमिक है, पूरी दुनिया जिस चैलेंज से गुजर रही है, रब की ज़ात इस चैलेंज को, इस आजमाइश को जल्द अज जल्द तमाम इंसानियत से दूर करे। अभी कल भी हम परसों शो में बात कर रहे थे कि अब वो अफ्रीका वाला जो वेरियंट है वो अब आ रहा है इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर और तरह की यूरोप की साइड पे रिस्ट्रिक्शन सामने आ रही हैं। सो बड़ी परेशानी की बात है क्योंकि हर 3 महीने बाद हम ये सोचते हैं कि बस अभी आखिरी 3 महीने इसके बाद कोविड खत्म हो जाएगा, बस अब गर्मी आएंगी तो बस अब खत्म हो जाएगा, वो दोबारा सर्दियां आ गई, हम कह रहे हैं कि अच्छा नहीं अब खत्म हो जाएगा। सो लेट्स ऑल प्रे, आप भी जब भी नमाज अदा किया करें या जो भी आपका इबादत का तरीका है तो ज़रूर इस चीज़ को दिल से कि बच्चे बड़े बूढ़े जवान पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है, आइए एक बार फिर दिल से दुआ करें कि हम इस आजमाइश से निकलें। तौसीक, अगली खबर बहुत जबरदस्त है मेरे पास, मुझे बताएं एक सवाल पहले मैं आपसे पूछूंगी। जी आज सारे सवाल पूछ जा रहे हैं, मैट्रिक के नंबर भी तुमने पूछ लिए, एफए के नंबर भी पूछ लिए मेरे से और बताने पड़ गए। देखिए आप कितना आज आपके बारे में हमें जानने का मौका मिल गया। जी अच्छा तौसीक, मुझे बताएं कि जब मौसम अच्छा होता है तो फिर आप क्या करते हैं, किस तरह से मौसम को एंजॉय करना पसंद करते हैं? पहली बात तो ये कि मौसम अच्छा होता है, इस जुमले की भी मेरे ख्याल में सभी हर एक की अपनी डेफिनेशन है। ठीक है, हाँ। कुछ लोगों के लिए खूबसूरत बारिश हो रही हो वो कहेंगे मौसम बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहेंगे अरे इतनी सख्त बारिश हो रही है मौसम आज अच्छा नहीं है बारिश हो रही है, तो ये भी बड़ी रिलेटिव टर्म है। तपती गर्मी हो, दोपहर हो,
और लोग कहेंगे भाई गर्मियां मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ठंड आ जाए तो हम कहते हैं मौसम अच्छा नहीं। तो ये भी रिलेटिव टर्म है। मेरे लिए जो अच्छा, जिस मौसम को मैं अच्छा मौसम कहता हूँ, वो ज्यादातर खजां का मौसम है, पतझड़ का मौसम, जिसमें दरख्तों के रंग बदल रहे होते हैं। यानी पाकिस्तान के एतबार से आप देखें इंटरनेशनली भी, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये मेरे फेवरेट मंथ्स हैं मौसम के एतबार से। मौसम के एतबार से, और मतलब बाहर जाकर मौसम एंजॉय करना पसंद करते हैं ना। exactly. जैसे छत पे चले गए कहीं, हम मतलब कहीं आप बाहर निकल गए, सर में सरसों का तेल की मालिश कराई अपनी नानी से, अम्मी से, और फिर ऐसे चारपाई पे धूप में लेट गए। इससे पहले भाई वो माल्टे खाने हैं, तो फिर उठ के माल्टे खाए और फिर धूप में सो गए। ये होता है मौसम एंजॉय। अगर मैं आपको ये ऑप्शन दूं कि आप अपने रूम में बैठे हुए वो मौसम एक्चुअली एंजॉय कर सकते हैं और आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या आपकी कैफियत होगी? ये तो फिर बहुत खुश होंगे ना। ये मैं खुश होऊंगा, इसका मतलब कमरे की छत उठानी पड़ेगी ताकि धूप अंदर आ सके, ऐसा कुछ है? ऐसा ही हो गया। अच्छा, है रेली? एक डच डिजाइनर ने, जिनका नाम है केस्पर स्कॉल्स, उन्होंने एक कैबिन डिजाइन किए हैं जिनकी दीवारें जो है वो स्लाइड हो जाती हैं। मतलब आप वो दीवारें स्लाइड करके उनको खोल सकते हैं और बाहर का मौसम आप इंजॉय कर सकते हैं। और किसी भी वक्त जो है, जब आपको लगे कि हाँ भाई, जैसे आपने बात की ना गर्मी होगी है या बहुत ज्यादा, तो आप दोबारा से उन स्लाइड को नीचे कर सकते हैं और वापस वो आपका कोजी सा अच्छा सा रूम जो है वो बन जाएगा जैसा कि आप चाहते हैं। डाइनिंग रूम है और वो जनाब क्या बात है, A+ अवार्ड्स प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर। एग्जैक्टली, इनको 2021 आर्किटाइजर A+ अवार्ड्स प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और इन ये जो दीवारें हैं इनमें हाई क्वालिटी जो है वो इस्तेमाल भी की गई है। जबरदस्त जबरदस्त। तो इसका मतलब है कि माल्टे खाने, सर में तेल लगा के धूप में लेटने के लिए इस तरह का घर होना जरूरी है। बिल्कुल तौसीक, अगली ऑप्शन मैं आपको बहुत अच्छी देती हूँ। दोबारा से वक्त बदलता गया, मतलब पहले ये होता था कि हमारे पास ऑप्शंस कम थी, तो हम बस स्टेशन पे बहुत देर तक खड़े रहते थे कि बस आ जाए, उसके बाद हम ट्रैवल करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। फिर वक्त बदला और हमने ऐप्स के जरिए जो है वो कैब्स बुक करवाना शुरू कर दी। बिल्कुल। अब वक्त और बदल गया, अब क्या होगा, गेस करें? इससे ज़्यादा क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसके अलावा? क्या हो सकता है इसके अलावा? ये हो सकता है कि नहीं, कुछ ज़हन में नहीं आ रहा, ऐसा हो कि अब आप जो है वो हवाई टैक्सियों में सफर करें, हवाई कैब्स आ जाओ और उन पे आप सफर करें। ऐसा हो गया है, ड्रोन की तरह गाड़ियां जा रही हैं। एक्चुअली ऐसा हो गया है। एग्जैक्टली, एक जो यूरोपियन कंपनी है उसने हवाई टैक्सी जो है वो इजाद कर दी है और उसका एक तजुर्बा भी हो चुका है, जो कि सक्सेसफुल तजुर्बा हो चुका है। और ये टैक्सी जो है वो जमीन से 16 फुट बुलंद हुई और पायलट के बगैर कुछ देर तक उड़ने के बाद जमीन पर वो उतर गई। इसमें अभी तो एक ही सवारी की गुंजाइश है और गुंजान ट्रैफिक में लोगों को सहूलत से इसकी मंजिल तक, मतलब मंजिल तक पहुंचने में बहुत कम वक्त लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली हवा में उड़ रही होती है तो एयर ट्रैफिक नहीं होती। सो जो रोड की ट्रैफिक है उससे बचकर इजीली जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इस टैक्सी की तैयारी में 2 साल का अरसा लगा है और अब ये कंपनी बहुत जल्द चाह रही है कि हम जल्दी जल्दी ये टैक्सी जो है वो मार्केट में भेज दें। बस इंसान की जो विजुलाइजेशन है उसकी कोई लिमिट नहीं है। Exactly. वो सोचता जाता है, विजुलाइज करता जाता है, स्ट्राइव करता जाता है, अपनी जहानत का इस्तेमाल करता जाता है। और रब ने जिसको ये ब्रेन दिया है, जो कि मेरे ख्याल में कायनात की एक एक चीज़ में बहुत ही हुस्न है, बहुत ही खूबसूरती है, लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन है ना सभी, मैं सोचता हूँ कि ये अल्लाह ताला का एक बहुत ही खूबसूरत करिश्मा है। Exactly. क्योंकि इस एक नेमत से फिर आप देखें कितनी नेमतें इंसान ने अपने लिए हासिल कर ली, और वो है ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन। सो मेरा ख्याल है कि आज हमें छोटी फातिमा ने बताया कि कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, शुक्र अदा करना है। तो हमें अपने ब्रेन, अपनी सोच, फिक्र, शऊर, सही फैसला कर सकने की सकत, इसका भी शुक्र अदा करना है। बिल्कुल बिल्कुल तौसीक, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी जो है हम बहुत मैं तो बहुत इंतज़ार कर रही हूँ कि कब टाइम आएगा और ये पाकिस्तान में ये टैक्सीज जो हैं वो एब्सोल्युटली चारों खबरें होगी जी, चारों खबरें होगी। और अब हम लेकर चलेंगे आपको गवादर राइजिंग पाकिस्तान में। अब एक सिलसिला हमने शुरू किया है आज से कि कभी कभी हम आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सैर करवाया करेंगे। और सबीर ने बड़ी अच्छी तरह से याद किया, वो जैसे मैट्रिक के आज मैट्रिक खेल रहे हैं, अभी आगे हमने मैट्रिक के रिजल्ट की भी बात करनी है। वो मैट्रिक के बच्चे जो सुबह सुबह मैथ की इक्वेशन याद करके जाते थे ना, इसी तरह सबीर ने याद किया हुआ कि गवादर का मतलब क्या है। तौसीक, आपको पता है मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा जब मैंने इसको पढ़ा तो एक अजीब सी हैरान कन बात थी
कि बेसिकली ये जो वर्ड है ये प्योर बलोची जुबान का है और जो गवादर है वो एक्चुअली गवातर था. अच्छा, गवात ये मतलब दाल नहीं ते था, गवातर था. एग्जैक्टली तो जो बलोची में बेसिकली गवात को कहा जाता है खुली हवा और दर तो डेफिनेटली हम दरवाजे को कहते हैं, तो खुली हवा का दरवाजा जो है वो गवातर. लेकिन आहिस्ता से जब लोग बोलने लग जाते हैं एक जुबान तो अपने लिहाज से तब्दीली आ जाती है, तो वो जो गवातर था वो गवादर बन गया. ये हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड. तो चलते हैं जी, आपको 4-5 मिनट के लिए गवादर की सैर कराते हैं, जहाँ का जो पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता चला जा रहा है. हर कुछ अरसे के बाद वहाँ की जब तस्वीर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंज आ चुकी होती है. गवादर की सैर और उसके बाद मिलते हैं. अगर आप गवादर की बात करें, गवादर को एक अच्छा रोड कनेक्ट करता है. कराची से आप आएंगे तो आप आराम से पहुंच सकते हैं अपनी गाड़ी के जरिए भी, और इसके अलावा आप डिफरेंट बसेस भी एक्वायर कर सकते हैं. अच्छी बस सर्विस चलती है, एक फ्लाइट भी आती है ऑन डिफरेंट डेट्स फ्रॉम कराची टू गवादर एंड फ्रॉम गवादर टू कराची. गवादर के पास अगेन नेचर के जहां बहुत से गिफ्ट्स हैं, उनमें से गिफ्ट ये भी है, इतना बड़ा व्यू पॉइंट आपको मिलेगा और व्यू पॉइंट पर खड़े होकर आप नजारा ले सकते हैं. एक साइड पे रोड है, फ्यूचर में आप देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमिकल हब बनेगा और बहुत सी चीजें यहाँ एस्टेब्लिश होगी, वो एस्टेब्लिश होगी जो कि लोग एंजॉय कर सके, खा पी सके, देख सके. गवादर की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं. वैसे तो प्रोमिनेंट हिस्ट्री है, बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन हम ट्विस्ट से लेते हैं और वो ये है कि 1783 में वाली ऑफ कलात नूरी नसीर खान ने तैमूर सुल्तान, जो कि मस्कत के हारे हुए एक रूलर थे, उनको ये गिफ्ट किया, दिया प्योरली फॉर आ रेवेन्यू पर्पजेज. उसके बाद जब वो मस्कत के रूलर बने 1797 में, तो वो अपने रूल को कंटिन्यू करते रहे, लेकिन जो गवादर था उसको वो इन्फ्लुएंस करते रहे और वो यहाँ के गवादर के जो गवर्नर होते थे उनको अपॉइंट करते थे. बीच में ब्रिटिश पॉलिटिकल असिस्टेंट का हेडक्वार्टर भी रहा और 1863 से लेकर 1879 तक ये ब्रिटिश पॉलिटिकल असिस्टेंट का हेडक्वार्टर और उनकी मूवमेंट का हिस्सा रहा. इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए पाकिस्तान ने 1958 में ओमान के साथ एक डील के तहत गवादर को अपने पास कर लिया और 1977 में इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया और मकरान का हिस्सा बना. तो गवादर की इम्पोर्टेंस और हिस्ट्री बड़ी पुरानी है और इस हिस्ट्री को देखते हुए यहाँ लगता है कि गवादर को वाकई एक गेम चेंजर के तौर पर प्रेजेंट करना चाहिए. गवादर की जो अट्रैक्शन है वो ये पोर्ट है. पाकिस्तान ने 1988 में एक स्मॉल पोर्ट बिल्ड करना शुरू किया जो 1992 में कंप्लीट हुआ. उसके बाद एक मास्टर प्लान जो है वो कंसीव किया गया और उसके तहत पहला जो फेज कंप्लीट हुआ वो 2007 में था. तो उसके बाद ये समझ आने लगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया तक, मिडिल ईस्ट तक एक्सेस पाकिस्तान का कितना ईजी हो जाएगा, इकोनॉमिकल कितनी ग्रोथ आएगी और कितना टाइम इफेक्टिव होगा. जब ये कंप्लीट होगा तो पाकिस्तान का अपना एक्सेस पूरी दुनिया तक, इकोनॉमिकल हो, ट्रेड का हो, ऑयल तक एक्सेस हो तो हो ही जाएगा. उसके साथ साथ चाइनीज़ चूंकि इसमें बहुत इंटरेस्टेड है और चाइना इसको बतौर एक सोर्स के मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेगा, जो ट्रेड का फ्लो है वो यहाँ से बढ़ेगा, तो इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी आएगी. वो इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं होगी बल्कि बलूचिस्तान की भी होगी और उसके साथ बहुत से लोग एम्प्लॉय हो गए. चाइना इससे बड़ा फ़ायदा लेगा, इसीलिए सी पैक का जो सेंट्रल पोर्शन है वो यही पोर्ट है और इस पोर्ट के ऊपर काम बहुत तेज़ी से जारी है.